रात के 1 बज रहे हैं, मैं जयपुर से श्रीगंगानगर ट्रैवल कर रही हूँ और उसी बीच में मेरे जस्ट पास में बोगी में, आई एम ट्रैवलिंग इन सेकंड क्लास एसी, और मेरे जस्ट पास में 3 लोग अपनी बोगी में बैठ करके दारू पी रहे हैं और गंदा गंदा अब्यूज़ कर रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं पिछले आधे घंटे से। आई जस्ट वेंट टू देम एंड आई जस्ट वॉर्न देम कि आप मत बोलिए ऐसा, देन उसके बाद में भी ये लोग चुप नहीं रहे और कंटिन्यूसली बोले जा रहे और दारू पी रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि पूरी की पूरी ट्रेन में एक भी पुलिस वाला नहीं है। ये टीटी साहब मेरे साथ में ही बैठे हैं, आप देख सकते हो सारे पैसेंजर यहीं पे ही है, यू कैन सी, एक भी पुलिस वाला नहीं है। मैंने पुलिस में कंप्लेन की टीटी सर के थ्रू और इट्स बीन 1 आवर, एक भी पुलिस वाला नहीं आया है। आप यहाँ पे आओ, ये लोग खड़े हैं यहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे, प्लीज सी दैट, वो दारू का बॉटल पड़ा है, ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, इनके पास में कोई वेपन हो, ये कुछ कर ले, मेरे को अटैक कर दे, ये भाई साहब मेरे को बोल रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है उनके बच्चों को मैं मार डालूंगा, इन तीनों के साथ में बोल रहे हैं। बट इट इज रियली शेमफुल कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। मैं रेलवे मिनिस्टर से बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, सरकार से ही बात करना चाहूंगी कि क्या महिला सुरक्षा को लेकर के इतने सीरियस आप हैं सच में, क्योंकि इस पूरी की पूरी ट्रेन में नॉट अ सिंगल JRPF का कोई जवान नहीं है, कुछ भी नहीं। 1 घंटे से मैं परेशान हो रही हूँ, 1 घंटे से। पहले बोला मकराना से कोई पुलिस वाला यहाँ चढ़ेगा, कोई नहीं आया। उसके बाद में बोला कि डेगाना से चढ़ेगा, डेगाना से कोई नहीं आया। अब आप देखिए इस चीज की जवाबदेही किसकी है। Unruly behavior by passengers has increased in both trains and flights. One such incident was reported by Gayatri Bishnoi, the president of Aam Aadmi Party Rajasthan State Women Wing. In a post on social media platform X, she alleged that a few passengers were drinking on the train and no RRF or GRPF officials were present to take the complaint. She was traveling on train number 22997, Jhalwar City, Sri Ganganagar SF Express, in the second class AC coach. She said that a few men next to her bogie were drinking and hurling abuses at 12 a.m. in the night. Even when she asked them to stop abusing, they didn't. She had to wait for 1 hour for the police officer to come on the train and report the incident. She questioned women's safety in trains in the absence of police officers. Let's talk to Gayatri Bishnoi to know what exactly happened on that day. तो क्या बता सकते हो कल आपके साथ ट्रेन में क्या हुआ था, what exactly happened आपकी जर्नी में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नॉट गोइंग टू यूज एनी पॉलिटिकल नेम, है ना, क्योंकि मैंने एक बहुत ही आम नागरिक की तरह जो मैंने बुक था उसको मैंने बयां किया वीडियो में और मैंने वो पोस्ट किया। उसके बाद में इसको एक पॉलिटिकल एंगल बाकी पार्टियों ने दे दिया जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। सो माय पॉइंट वाज आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है, मैं अभी अपने ऑफिशियल वर्क से आई वाज ट्रैवलिंग टू श्रीगंगानगर। यूजुअली आई ट्रैवल बाय कार बट काफी लंबे समय बाद में, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ट्रेन प्रेफर किया और मैं सेकंड क्लास में मैंने बुकिंग करवाई अपनी और मैं अपने जर्नी पे थी। तो 9:40 की मेरी ट्रेन थी, तो ट्रेन आने के बाद में मैंने अपना डिनर लिया और मैं सेटल डाउन हुई। 11:30 बजे 11:40 के आसपास का समय था एग्जैक्टली, अब मिनट टू मिनट में ऊपर नीचे कुछ 5-7-10 मिनट हो सकता है। तो आई रिमेम्बर 11:40 अराउंड वॉज द टाइम, क्योंकि मैं एक अपने फोन पे इंटरव्यूज ही सुन रही थी, लेटी हुई थी मैं, तो मेरे जो जस्ट पास वाला जो है जो सेक्शन होता। तो क्या बता सकते हो कल आपके साथ ट्रेन में क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आपकी जर्नी में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नॉट गोइंग टू यूज एनी पॉलिटिकल नेम, है ना, क्योंकि मैंने एक बहुत ही आम नागरिक की तरह जो मैंने बुक था उसको मैंने बयां किया वीडियो में और मैंने वो पोस्ट किया। उसके बाद में इसको एक पॉलिटिकल एंगल बाकी पार्टियों ने दे दिया जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। सो माय पॉइंट वाज आई वाज ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है, मैं अभी अपने ऑफिशियल वर्क से आई वाज ट्रैवलिंग टू श्रीगंगानगर। यूजुअली आई ट्रैवल बाय कार बट काफी लंबे समय बाद में, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी तो मैंने ट्रेन प्रेफर किया और मैं सेकंड क्लास में मैंने बुकिंग करवाई अपनी और मैं अपने जर्नी पे थी। तो 9:40 की मेरी ट्रेन थी, तो ट्रेन आने के बाद में मैंने अपना डिनर लिया और मैं सेटल डाउन हुई। 11:30 बजे 11:40 के आसपास का समय था एग्जैक्टली, अब मिनट टू मिनट में ऊपर नीचे कुछ 5-7-10 मिनट हो सकता है। तो आई रिमेम्बर 11:40 अराउंड वॉज द टाइम, क्योंकि मैं एक अपने फोन पे इंटरव्यूज ही सुन रही थी, लेटी हुई थी मैं, तो मेरे जो जस्ट पास वाला जो है
जो सेक्शन होता है बोगी में, हाँ हाँ बोगी में मेरे पास वाले सेक्शन में कुछ लड़के लोग थे, ठीक है। तो जब मैं लेटी हुई थी तभी मुझे ऐसे दारू की सी और काफी तेज स्मेल आने लगी, तो मुझे लग गया था कि कोई ड्रिंक कर रहा है पास, ठीक है। तो मैंने उसको अवॉइड करते हुए कि है क्या कर सकती हूँ, मैं अकेली थी तो बहुत सारी चीजें, तो मैंने उसको अवॉइड करते हुए मैं अपना वीडियो देख रही थी। इतने में तो बहुत तेज तेज गाली गलौज शुरू हो गई। तो जब बहुत तेज गाली गलौज शुरू हुई वो आपस में ही बहुत तेज तेज गालियां देने लगे और बहुत गंदी, मतलब माँ बहन की गालियां देने लगे गंदे गंदे। एंड देवर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम ट्रांजेक्शन बड़ा हैवी अमाउंट का, कि मैंने इसको इतने दिए उसको दिए, तेरी बीवी का ये तेरी बीवी का वो, मतलब आप समझो कोई कोई विमेन को ही लेकर के देवर स्टार्टेड अब्यूजिंग वेरी बैड, मतलब मैं वो वर्ड मैं भी नहीं बोल सकती, मतलब गंदे के तेरी बहन का ये तेरी माँ का ये टाइप से देव स्टार्टेड। तो मैं मतलब ऐसे मैंने वो वीडियो में ईयरफोन लगा के सुन रही थी, मैंने एकदम से हटा लिया, मतलब इतनी तेज तेज पूरी बोगी में तेज तेज आवाज आने लगी है ना। इतने में क्योंकि मेरा H1 ब्लॉक था तो H1 में मतलब फर्स्ट क्लास AC इंक्लूडेड था साथ में, है ना। तो मतलब आप यूँ सोचो कि वो जो बंदे जो लड़ रहे थे तो उनका बीच में था, साइड में मेरा था और दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास AC शुरू हो गया। तो जो फर्स्ट क्लास में एक कपल था 40 अराउंड एज के, है ना, एक लेडी और एक उसका हस्बैंड था साथ में, वो एकदम से आई उनको और उनकी बोगी में उनके ऊपर चिल्लाई कि आपको शर्म नहीं आ रही, आप इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे हो, आसपास में लेडीज भी है सब चीजें हैं और आप यहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है। वो बहुत गंदा उनको सुना करके गई कि अपनी माँ बहनों से भी ऐसे बात करते हो घर में तुम लोग, ये वो, और है ना सबको डिस्टर्ब करके रखा है, अंदर बैठ करके मैं बुलाऊं क्या टीटी को, ये वो करके, है ना। तो उन्होंने आकर के उनको वॉर्न किया, ठीक है, कि भाई तुम लोग चुपचाप अपना शांति से सो जाओ या फिर जो भी है तुम ये न्यूसेंस क्रिएट मत करो। तो वो लेडी जैसे ही गई वापस अपने, तो मतलब मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई कि चलो कोई तो आके उनको बोल के गया, ठीक है, चलो मैंने कहा यार ये आके बोल के तो अब शांत हो जाएंगे ये लोग। तो वो जैसे ही लेडी गई ना, एक मिनट का समय नहीं हुआ था, एक से डेढ़ मिनट बाद में उनका वापस से क्रिएट हो गया सब कुछ माहौल। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, जो लेडी आकर के बोल के गई ना उसके लिए शुरू हो गया कि क्या कर लेगी बहन की ये वो सब, वो उसको अब्यूज करने लगे गंदे तरह के, इसके तो मैं ये कर दूंगा अंदर जाके ये कर दूंगा। मैं उस समय में मैं घबरा गई, मैंने कहा यार ये तो मैं सो कैसे पाऊंगी, कुछ अंदर आके मेरी बोगी मुझे कुछ कर दे, उनको पता हो कि अकेली लड़की ट्रेवल कर रही है। तो मैं उठी और क्योंकि अंदर के आगे की तरफ के सब में लाइट ऑफ थी, 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, तो सारे उसमें लाइट ऑफ थी, मैंने कहा यार मेरे को किसी को बुलाना पड़ेगा, RPF के या किसी सिक्योरिटी वाले को बुला के लाती हूँ, यहाँ मैं रह नहीं सकती, कुछ कर लेंगे यहाँ पे। मैं वॉक करती भी गई, मैंने फोन लगा दिया मेरे घर पे, ठीक है, माय ब्रदर वाज ऑन कॉल एंड ही वाज आल्सो लिसनिंग। जब ये हुआ ना मेरे, यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब आप कब घर पे फोन करोगे, किसी को तो इन्फॉर्म करोगे ना कि दी सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि तू फटाफट जा किसी को बुला के ला, कोई सिक्योरिटी वाले को या किसी को। मुझे ना कोई रेलवे का मुझे क्या कोई बंदा दिख रहा और ना कोई पुलिस वाला दिखा, ठीक है, मैं कोई रेलवे वाला दिखे तो पूछू तो सही कि कोई कहाँ पे है, मतलब होता है ना हाँ, कोई बहुत आगे में है ये कहीं आगे पीछे होता है, तो मुझे कोई नहीं दिखा। तीसरा चौथा डब्बा क्रॉस किया तब तक कोई नहीं दिखा, सब सो रहे, लाइट ऑफ है सारी, मैं अकेली उसमें वॉक कर रही हूँ। आप सोचो मेरी मेंटली स्टेट भी, कि मुझे डर लग रहा है कि कोई यार मेरा मुंह ना पकड़ ले दबा ले, कोई अंदर डब्बे में खींच ले, मुझे कुछ भी हो सकता है। ऐसे उसमें मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ उनको कि यार कोई नहीं दिख रहा मुझे, कोई नहीं दिख रहा, लेकिन यू कीप ऑन मूविंग, आगे जा कहीं ना कहीं तो दिखेगा कोई ना कोई। तो चार डब्बे क्रॉस हो गए मुझे कोई नहीं दिखा, तो वो जो नंबर लिखे होते हैं ना ये जो पेट्रोल लाने के और जो बिस्तर लाने के या जो सेवाओं की सुविधाओं के लिए, तो उसके तीन नंबर थे। तो मैंने मेरे भाई को बोला, मैंने कहा आई एम कीपिंग द फोन डाउन और मैं इस नंबर पे फोन करती हूँ, कोई उठाए, मुझे चार डब्बों तक कोई नहीं दिखा। मैंने उस नंबर पे फोन किया, उस नंबर पे किसी ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। 12 गई थी तो मे भी कोई सो गए स्टाफ या पता नहीं कहाँ था, ठीक है, तो किसी ने उठाया नहीं। 139 पे कॉल्ड तो 139 पे भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई कॉल ही नहीं लगा। अभी बहुत लोग इतने बेवकूफ है, सोशल मीडिया पे इतना चल गया, तो पीपल आर सेइंग कि 100 पे कॉल करना, अरे बेवकूफ हो, मूविंग ट्रेन में मैं 100 नंबर पे क्यों डायल करूंगी जो RPS है, वो सिक्योरिटी काम, वो कोई ऑब्वियसली सिक्योरिटी को पूछूंगी। हाँ, देन क्या हुआ कि मैं वो आगे चलती गई, पांचवा डब्बा क्रॉस हुआ, छठे डब्बे पे मेरे को ये रेलवे का बंदे, दो बंदे बैठे हुए मिले मुझे, है ना। मैंने उसको बोला, मैंने कहा वेयर इज द टीटी, टीटी का है और तुम्हारे यहाँ पे RPF का कौन है, वो कोई जवान का है वहाँ पे, वो बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे मेरे डब्बे में, परेशान कर दिया। तो बोलते कि ना टीटी तो आपके उधर पीछे ही होगा किसी डब्बे में। मैंने कहा पीछे नहीं है भाई, पांच डब्बे क्रॉस करके आ गई हूँ, टीटी नहीं है वहाँ पे। मैं गुस्से में थी उसको, फिर उसने वो बोला कि आगे चलो मैम। जितने में मेरे पीछे से एक और ये रेलवे का
ही कोई बंदा आ गया था, क्योंकि वो जो फर्स्ट क्लास वाली लेडी थी ना, तो उसको भी सुनाई दिया है ऑफ कोर्स. तो उसने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट क्लास में आप जानते हो अलार्म होता है, बजर होता है, वो कुछ है ना बुलाने के लिए, तो उसने वो दबा दिया था, बुला लिया था किसी को कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है. तो मेरे पीछे से एक और रेलवे का ही बंदा आया था, वो भी टीटी को ही ढूंढ रहा था. तो वो आ गया तो बोला कि आगे है टीटी ना. फिर एक बोगी और छोड़ करके मैं गई, तो टीटी वॉज हाफ अवेकन, वो उठ करके जा ही रहा था उसकी तरफ भी, क्योंकि उसके पास भी कॉल्स आ गए थे कि वहाँ कुछ हुआ है ना. तो वो मेरे को, मैं बोली, मैंने कहा टीटी साहब ये आरपीएफ वाला कोई जवान को बुलाओ, आपसे नहीं डील होगा वो, क्योंकि अंदर कितने लोग हैं हमको नहीं पता, आप कैसे जाओगे. दो टीटी थे, एक और टीटी था साथ में उसके. तो दो मिनट तो चुप रहा, फिर मैंने कहा, वो उठ के चलने लगा. मैंने कहा अरे किसी को बुलाओ भाई, किसी पुलिस वाले को बुलाओ, कोई सिक्योरिटी को बुलाओ, आपसे नहीं डील होगा, आप क्या करोगे उसको जा करके. तो वो चलने लगा साथ, बोला कि मैडम आज कोई ड्यूटी पे नहीं है. मैंने कहा ड्यूटी पे नहीं है? तो बोला कि हाँ वो यहाँ पे ना इन्होंने ड्यूटी हटा दी है. मैंने कहा दिमाग विमाग खराब हो रहा है क्या, यहाँ पे ड्यूटी कैसे हटा सकते हैं? मैंने कहा रात का टाइम है, जयपुर से श्री गंगानगर निकल रही है, 9 बजे ट्रेन निकल रही है और अगले दिन 10 बजे पहुंचेगी, इतनी लंबी जर्नी में कोई आरपीएफ का बंदा नहीं है, जवान तैनात नहीं है. बोला कि नहीं नहीं मैम, पहले इसमें ना चोरी चकारी होती थी, अब बंद हो गई. आप बिलीव, मतलब यू जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, एक ट्रेन पूरी की पूरी और उसमें एक सुविधा कर्मी, एक पुलिस कर्मी कोई भी तैनात नहीं वहाँ पे. सिक्योरिटी नंबर एग्जैक्टली. तो मैंने बोला तू तो चल वहाँ पे. वो फिर वहाँ पे हम लोग पहुंचे, मैं उसको लेके पहुंची दोनों टीटीज को, जितने तो लोगों ने उसको घेर लिया, उन लोगों को है ना, बोगी में से उनको निकाल दिया, घेर दिया. मैं बहुत तेज तेज शाउट की उनपे, क्योंकि तब मेरे साथ में लोग आ गए थे ना, पहले मैं अकेले कैसे करती थी. मैंने कहा कि तुम लोग जो ये कर रहे हो ना, मैंने कहा मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ, तुम लोग के लिए कंप्लेन डाल रही हूँ, तुम इतने चलो इनको उधर लेके जाते उतार दे. मैंने कहा ये कोई नहीं जाएंगे उधर, अब तो पुलिस ही आएगी इधर. मैंने कहा ये तो तुम वहाँ ले जाके कोई 150 रुपए तुम्हें जेब में रख देंगे, तुम ये तो निकल जाएंगे. तो और वो हैविली ड्रंक थे और बहुत, मतलब उनको देख करके ही, वो आप देखोगे तो आप समझ जाओगे. और वो सामने खड़े होकर के, टीटी के सामने, लोगों के सामने खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरे बच्चों को मार देंगे. अब उनको नहीं पता दो कि आई एम नॉट मैरिड एंड आई डोंट हैव किड्स. मेरे को ओपनली बोला कि ये जो ज्यादा उछल रही है ना, इसके बच्चों को तो उठाते हैं, इसके बच्चों को ही मारेंगे सबसे पहले, है ना. तो फिर मैं उस, इन्होंने फोन लगा दिया टीटी ने आरपीएफ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है. तो वहां से हमको रिस्पॉन्स आया कि डेगाना में पुलिस चढ़ेगी, ठीक है. और डेगाना वॉज 25 मिनट्स अवे. हम पुलिस का काम कर रहे हैं, हम उनको रोक करके पकड़ के बैठे हुए, जनता पूरी उनको पकड़ के बैठी हुई है, वो अब्यूज कर रहे हैं गंदा गंदा. लोगों से भिड़ना शुरू हो गए थे, वो भागना चाह रहे थे, लोगों से भिड़ना शुरू हो गया, लोगों ने भी उनको जकड़ लिया. अब ये तो वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि सेकंड क्लास एसी में से ऐसे नहीं थे कोई मोब लिंचिंग वाले और वैसे वाले, नहीं तो वहीं पे उनको जूते पड़ते इतने भयंकर. डेगाना वो पहुंचा, स्टॉप पहुंचा, तो 5 मिनट ट्रेन रुकी, 5-7 मिनट डेगाना से कोई पुलिस ही नहीं चढ़ी, ट्रेन रवाना हो गई. मैंने कहा कि आई क्यों नहीं पुलिस, लगाओ फोन वापस, वो डेगाना से चढ़ी नहीं. तो पुलिस वाले सामने बोलते, डेगाना थाने वाले, डेगाना से चढ़ी थी तो पहले मकराना था, तो उन्होंने बोला मकराना से चढ़ गया, ऐसा कुछ था. मतलब वो मैं एग्जैक्टली मेरे को स्पॉट याद नहीं है. तो वहां से नहीं चढ़ी, तो उन्होंने बोला कि आगे फर्दर मकराना से चढ़ेगी, डेगाना जो भी सेकंड स्टॉप था वहां पे चढ़ेगी. तो मैं देखा वो कितना दूर है, तो बोला कि 40 मिनट है. मैं कहा और 40 मिनट इनको पकड़ के बैठे रहो. तो हो गया ना भाई, उन्होंने पहले रक्कस क्रिएट किया, उसको संभाला, ये टीटी को ढूंढ के लाए, तो वो लग गया 1 बजे तक अराउंड हो रहा था, 1.5 बजे तक तो ये सारा सीन पूरा चला था. 1.5-2 बजे के आसपास में ये आया अपना जिस पुलिस की. मीन वाइल जब मैं वहाँ बैठी थी, उनका वेट कर रही थी ना, जब उन्होंने बोला आगे स्टॉप पे चढ़ेगा पुलिस वाला, देन आई मेड दैट वीडियो. मैंने कहा ये पूरी सिचुएशन तो दिखाऊं कि हम लोग, ये तो मेरे साथ में लोग हैं, अगर मेरे साथ में लोग नहीं होते, आप 1 घंटा पुलिस का काम कर रहे हो खड़े होकर के, कि पुलिस नहीं आ रही तो आप अपराधियों को पकड़ के खड़े हो. वहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉप था, वहाँ से 3 जनों को पकड़ने के लिए एक अधेड़ उम्र का पुलिसकर्मी आता है, ठीक है. एक बंदा आता है, वो चढ़ता है. मैंने कहा है और कौन है आपके साथ में? बोला हाँ, मैंने कहा पीवी रखी इन्होंने कुछ आप पे अटैक वटैक करते. बोला नहीं नहीं ले जाएंगे. वो नीचे उतार के लेके गया. मैंने कहा भाई साहब आप इनको लेके जा रहे हो, ये पैसे वैसे रख देंगे आपके जेब में, अगर मुझे पता चला कि कुछ भी ऊपर नीचे हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो ठीक नहीं रहेगा, फिर मैं सिस्टम में ऊपर तक जाऊंगी. फिर मैंने उनको वो चीज, वो मैंने उसको पुलिस वाले को वॉर्न करके छोड़ा ताकि वो उनको रवाना ना कर दे. आप समझ लो हम इतनी बैटल लड़ रहे हैं और फिर ये तो हम, मुझे क्या पता है इस पे कोई एक्शन लिए गए कि नहीं लिए गए. उसने वो बोल दिया पुलिस वाले ने कि नहीं नहीं हम ध्यान रखेंगे, जितने में हमारी ट्रेन रवाना हो गई हम तो बैठ गए अंदर आकर. देन एग्जैक्टली देन आई हैड टू पोस्ट दैट वीडियो कि मुझे पता
पता था कि कुछ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप इतना कैजुअलिटी बरत रहे हो कि कोई आ नहीं रहा है, फिर एक घंटे बाद आ रहा है, एक घंटे बाद आने के बाद में आप एक पुलिसकर्मी को भेज रहे हो पकड़ने के लिए, तो तुम तो सीरियस ही नहीं हो इस चीज को लेकर के, इसका मतलब तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मुझे वो वीडियो पोस्ट करना पड़ा और डालना पड़ा इनको सबको टैग करके कि बिल्कुल सिक्योरिटी जो है वो जीरो है। देन फिर अगले दिन सारा एक्शन हुआ, सुबह मेरे पास फोन आने लगा, DRM का आया, इसका आया, फलाना ऐड इनका आया, सबका आया। दिन में 11:30-12 बजे दे सेट के हमने ना कार्रवाई कर दी है, अब आप है ना उस पर कर दो, वो पोस्ट कर दो। मैंने कहा पोस्ट कर दो, तुम लोगों को इसी यही चीज लग रही है क्या, पोस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा मुझे रिटर्न में रिपोर्ट दो कि आप लोगों ने कार्रवाई करी है। देन फिर उसके बाद में 12 बजे उसने मुझे फिर वो भेजी रिपोर्ट कि हमने एक्शन ले लिया। तो ये वाली पूरा इंसिडेंट था। मेरा मेन कंसर्न ये है, देखो रक्कस हर जगह क्रिएट होता है, इस तरीके की चीजें सब जगह होती है, पर गवर्नमेंट का जो फेलियर है वो ज्यादा मेन है। अब आप उसके बाद में आप वापस सिक्योरिटी तैनात कर रहे हो, लोगों को भेज रहे हो, आप इसका मतलब वेट कर रहे हो कोई बड़ी घटना होने का, उसके बाद में सब एक्टिव होंगे, तो ये तो बहुत गलत है ना। हम लोग इतनी महंगी महंगी टिकट इसीलिए तो लेते हैं, 2500-3000 की हमारी टिकट होती है, इसीलिए तो लेते हैं कि भाई सेफ्टी से जाए, तो कहाँ है तुम्हारी पूरी पूरी ट्रेन में एक पुलिस पर्सनल नहीं है। और बोलते हैं अभी आप ये बता रहे हो कि ये तो ट्रेन में हुआ जिसमें सेकेंड क्लास है जो काफी प्रिविलेज होता है, मतलब यहाँ पे क्राउड कम है और काफी प्रिविलेज स्लीपर क्लास है, बट सेम ऐसे काफी इंसिडेंट्स प्लेन में भी रिपोर्ट होते हैं कि यू नो पैसेंजर्स ड्रंक है और वो वुमेन और एयर होस्टेस को या उनको भी ऐसे काफी बदतमीजी से उनके साथ भी बिहेव करते हैं, और ये अभी बार बार रिपीटेडली पता चल रहा है हमें। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्या एक्शन चाहते हो रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी, जैसा बता रहे हो पॉलिटिकल है ही नहीं, बट कॉमन मैं इसको नहीं चाहती थी पॉलिटिकल बनाना, हालांकि बीजेपी वालों ने और इन्होंने इसको बहुत ऊपर नीचे करके ये दिखा के कि वीडियो फेक है, ये है वो है, जबकि वहां पे सब बराबर हुआ है। मैंने उस वीडियो में भी दिखाया कि देवर ड्रंक और वो शेमफुली अपना सर नीचे करके खड़े थे, क्योंकि उससे पहले मैं उनको बहुत भयंकर तरीके से सुना चुकी थी कि तुम लोग वो कर रहे हो, उससे पहले वो मुझे डरा धमका भी चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, तो उनको पता है जब वीडियो बन रहा है तो वो कुछ न्यूसेंस थोड़ी क्रिएट करेंगे। लोग मुझे लिख रहे हैं कि ये तो चुपचाप खड़े, अरे भाई तो तुम क्या ड्रामा चाहते हो क्या, कोई सीरियल थोड़ी चल रहा है वहाँ पे, तुम्हें मिर्च मसाला चाहिए यहाँ पे, इतना बड़ा मैटर है ये। मेरा एक ही गवर्नमेंट से भी ये है कि आप सिक्योरिटी प्रॉपर तैनात करिए, और जो कि इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़े, ये तो मतलब ऐसी बात होगी कि आपको आपकी ड्यूटी नहीं पता चल रही, आप अपना काम ही नहीं कर रहे हो, ये तो फेलियर है आप लोग का पूरा। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ वुमेन सेफ्टी कंसर्न, इट इज अबाउट अ कॉमन मैन, किसी की भी सेफ्टी सिक्योरिटी का डर हो सकता है, किसी आदमी के भी गले पे चाकू रख दे, महिलाओं के साथ तो कितनी चीजें हो रही वो तो हम सब जानते ही है। तो आप अपनी ड्यूटीज को देखिए, इतनी कैजुअलिटी ना भरते इन मामलों में, जब पता है कि इतने मामले हो रहे हैं, तो प्रॉपर RPF के जवान हमारे पास में है, उनको तैनात करिए, एटलीस्ट 1-2-4 सिक्योरिटी पर्सनल तो ट्रेन में होने ही चाहिए। तो माय ऑल पॉइंट वाज दैट कि टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, एंड जो जिस तरीके से जो लोगों की सेफ्टी के लिए है गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, तो उनको उस तरीके से अपना फर्ज निभाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। हम लोग हमारी पूरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली निभा रहे हैं, पर आप लोग भी तो करो। लेटर एन ऑफिशियल कंप्लेंट वाज लॉज्ड एंड 3 पैसेंजर्स वर डिबोर्डेड इमीडिएटली। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर टू डिटरमाइन इफ द ऑफिशियल्स वर डिप्लॉयड ऑन द ट्रेन और नॉट। द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स इन ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट कंसर्न एंड द गवर्नमेंट शुड एड्रेस इट immediately. Subscribe to Daily Salar Digital for more such updates.